तो एक बार दोबारा हम सारनाथ आए हैं और अभी पहली जगह जो हम विज़िट किए हैं वो है चौखंडी स्तूप, क्योंकि इसके पहले जो आए थे हम तो उसमें ये जगह मिस हो गई थी। और इस बार का जो टूर है वो फैमिली टूर है। ये देखिए परिवार के कुछ सदस्य जो अभी हैं, और अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी रास्ते में हैं, अभी आने वाले हैं, तो आने के बाद उनका भी इंट्रो करवाएंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि ये जो चौखंडी स्तूप है ये चारों तरफ से दिखता कैसा है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, क्या क्या चेतावनियाँ हैं और कितने का टिकट है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे, कैसे टिकट लेना है और कहाँ यहाँ पहुँचा कैसे है। ये है सारनाथ का चौखंडी स्तूप जो आप देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब बोध गया गए थे तो यही ये वही जगह है जहां पर वो अपने पहले शिष्य से मिले थे और उन्हीं की याद में इस स्तूप का निर्माण कराया गया है। इस स्तूप को सीढ़ीदार बनाया गया है और ये सारनाथ का बहुत ही ऐतिहासिक स्तूप है। इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, ना सिर्फ भारत से, भारत के कई अन्य राज्यों और बाहर से आने वाले विदेशी भी इस स्तूप को देखने के लिए आते हैं। ये एक परिक्रमा है जो लोग आते हैं तो स्तूप को चारों तरफ से देखकर एक परिक्रमा पूरी करते हैं, और इसका एक मेन लक्ष्य ये भी होता है कि स्तूप को चारों ओर से देखना आखिर दिखता कैसा है। ये हरियाली से भरा पार्क है, इस पार्क में चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी और यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो थके हारे लोग विश्राम करते मिलेंगे आपको। और ये सारनाथ का चौखंडी स्तूप जो वर्ल्ड फेमस है। ये लोग घूमते घूमते हमको लग रहा है बोर हो गए हैं और ये लोग कह रहे चलिए वापस, यहाँ पर कुछ है नहीं। लेकिन देखिए अभी अपनी अपनी नज़र की बात है, अगर आप घूमने आए हैं तो घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए इसका बनावट और जो कारीगरी है ना बहुत ही बेमिसाल है। देखिए आप